हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। आपका आज की नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है अपना KTM कप के ट्रेनिंग सेशन की। मानेसर टोल के पास गो कार्टिंग है, तो यहाँ पे पूरा ट्रैक है, गो कार्टिंग पे ही अपना हो रहा है। और काटोमनिया गो कार्टिंग है, यहाँ पे सारी KTMs की बाइक है। तो ये अपनी सारी KTMs की बाइक्स हैं जो कि हम अभी इस ट्रैक पर दौड़ाएंगे। देखते हैं भाई, बिना किसी इंजरी के हवा में जोश नहीं खोना है, ठीक है। सारी ट्रैक्स पे बाइक्स हैं, इनकी टेल टाइड ही गायब है, साइड मिरर गायब है, जितना वेट हो सकता है उतना शेड किया है। सारी गायब होंगी आगे की, तो जितना वेट हो सकता है उतना शेड किया है। और आप एक बार एग्जॉस्ट चेकआउट करो। अच्छा आओ चले और चलते हैं आगे, है ना। और ये देखो भाई, पूरी सीएड KTM सारी ब्रांडिंग हो रखी है। इधर कैस्ट्रॉल की भी ब्रांडिंग है, क्योंकि कैस्ट्रॉल है इनका पावर पार्टनर। तो भाई KTM के जो राइडिंग पार्टनर्स हैं वो है कैस्ट्रॉल और सीएड टायर। तो हम सीएड टायर की तरफ से सिलेक्ट हुए हैं, है ना। कैस्ट्रॉल में भी अपना सिस्टम है, बट नहीं हुए हैं वहाँ से। बाकी देखते हैं क्या रहेगा सीन सारा। भाई ये देखो, ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं KTM के। ये यहाँ पे भाई कैस्ट्रॉल के जैसे, आपने कैस्ट्रॉल का मैं दिखा नहीं पाया, बट तुम्हारा भाई गया था कैस्ट्रॉल के ऑडिशन में, सेम वही वाला सेटअप है पूरा। एंड वहाँ पे था बूट का सेक्शन और यहाँ पे अपना जो एकेडमी वगैरह है इनकी रेसिंग की वो है। बाकी कुछ भी नहीं देख रहे हो, जो ट्रैक है मस्त आ रही है भगाते हुए। ये देखो, ये भी आएगी इधर से भाई। ये अभी हम भी ऐसे जाएंगे तो हम तो रिकॉर्डिंग कर नहीं पाएंगे। बाकी आप देख लो कि क्या खतरनाक सीन होने वाला है अभी थोड़ी देर में। ये जो ट्रैक है फुल लीनिंग होगी, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये देख रहे हो RC 390 लाइन पूरा तगड़ा वाला लगा हुआ है। अभी कुछ ही देर में हम ये बाइकें चलाने वाले हैं और वहाँ हो रही है बाइकों की सर्विस, मतलब मेंटेनेंस, चैन वैन टाइट वगैरह। From there we'll move on to practice sessions. So you guys will have classroom followed by track practice followed by classroom followed by track practice. This will help you guys unlearn quite a lot of bad habits that you can have on the road, because on the road we've got a lot of obstacles. We've got cops, we've got traffic, we've got dogs, cattle, potholes, and you know the list is endless. So there's a lot that we've got to unlearn, and we've got to learn techniques, skills, and apply that out on the racetrack. तो भाई अपने को बाइक अलॉट हो चुकी है और ये है 12 नंबर बाइक। एंड अब हम पैड अप करते हैं और चलते हैं। Thank you.
तो भाई पहला सेशन हो चुका है ख़त्म, अब हम आ चुके हैं दूसरे सेशन की क्लास लेने। बाकी क्लास लेंगे फिर जाएंगे दोबारा से ट्रैक पे और लीन करेंगे। कितनी लीन करी भाई, कितनी लीन करी? आज जितनी हो सकती थी कर दी। लेट्स गो फॉर द सेशन टू। Probably you need to sit on a bike when you are on a straight line, when you are going straight, right? So what you do is your hands, okay? You generally ride like this on the roads, yeah. You'll sit up straight, you'll ride, you'll have your feet this way, right? This is how it is. But when you are on the racetrack, I want you to be on your toes. This is how you have to rest your feet. So bhai, apna second session ho chuka hai class ka. Aap dobara se ja rahe hain track pe. देखते हैं क्या सीखा हमने। भाई यहाँ तो खतरनाक सीन हो गया। अच्छा वाह, अपना लैप हो चुका था कंप्लीट और अभी हम गेट के वो देखो भाई क्या खतरनाक से पूरा आंधी तूफान आ रखा है, ठीक है, और बादल गरज रहे हैं। अपना तो भाई लैब फुल मॉच आपको वीडियोस देखना। ट्रेनिंग सेशन हो चुका है खत्म, अब हम यहाँ पे फोटो सेशन कर रहे हैं। बाइक लगी हुई है फुल लाइनअप में और ये देखो भाई क्या खतरनाक व्यू आ रहा है यहाँ से, है ना। तो एक हाथ थंबनेल निकालते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से घर। उससे पहले लेंगे अपना सर्टिफिकेट, है ना। क्या मज़ेदार सीन था आज का, मतलब जो एक्सपीरियंस मिला है ना अपने को, मैं कहता हूँ अल्टीमेट ऐसा एक्सपीरियंस हमने कैस्ट्रॉल वाले इवेंट पे भी दिया था, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। और यहाँ पे हमें बुलाया है इसलिए क्या है कि हम रिकॉर्ड करें, सीट को टैग करें एंड एक्सपीरियंस लें बढ़िया वाला। अब इसके बाद हम आपको कल वाली वीडियो में मिलेंगे जो कि है भाई इससे भी अपर लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल होने वाली है क्योंकि उसमें होगा ऑफ रोडिंग का पूरा ट्रैक एंड वहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे ऑफ रोडिंग बाइक्स पे। कल अपने पे होने वाली है दूसरी बाइक एंड ये देखो भाई क्या बढ़िया बाइक है। KTM इज़ नॉट अ छपरी बाइक, ओनली राइडर्स आर छपरी, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखो, बाइक को कभी बुरा मत बोलो, बाइक बहुत अच्छी है एंड खतरनाक बाइक है। इससे अच्छी पावर कोई और बाइक नहीं देती है इस सीसी में और इस प्राइस रेंज में। तो बाइक को छपरी ना बोलें, सही बात है। सही बात है। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत ही ज़्यादा अच्छा भाई, फर्स्ट टाइम टायरिंग, फर्स्ट टाइम मिनी ट्रैक एक्सपीरियंस, बट बहुत ज़्यादा अच्छा था भाई, मज़ा आया। ट्रैक तो भाई खतरनाक था, आपने देखी होंगे शॉर्ट्स। हाँ जी, कैसा रहा आज का? बढ़िया रहा, नया एक्सपीरियंस, खतरनाक, एक नंबर पावर फुल, बाइक फील करने में मजा आया और ट्रैक पे हैं। 250 सीसी के बाद 390 सीसी तो भाई बहुत मेजर डिफरेंस है। एंड बिल्कुल सेगमेंट का एंड है ये तो, और वो भी ट्रैक पे। और कल क्या होने वाला है वो कल की वीडियो में पता चलेगा। चलो भाई अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। हम निकल चुके हैं वेन्यू से और ये रहा अपना सर्टिफिकेट, मजा आ गया है ना। और भाई का भी सीन सेटल गया, अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। मैंने बिल्कुल एंड पॉइंट पे ही फोन किया कि भाई चल रहे हो या नहीं, तो भाई ने बोला हाँ चलते हैं। और भाई बहुत बढ़िया डिसीजन था मेरा एंड मोमेंट पे जाने का, और आप लोगों को भी भाई कभी ऐसा चांस मिले मिस मत करना, क्योंकि ये वाला एक्सपीरियंस आपको कभी रोड्स पे नहीं मिलेगा। मिल ही नहीं सकता भाई, एक तो खतरनाक सीन ट्रैक पे आप बाइक चला रहे हो तो पूरा फ्री ऑफ माइंड रहता है सारा सीन, और उसके बाद ट्रेनिंग मिल रही है तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं। आपको गियर्स मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइडिंग बूट्स, पूरा राइडिंग सूट, आप जितनी चाहे उतनी लीन करो, जितनी कॉर्नरिंग करो, स्पीड ले सकते हो। रोड्स पे थोड़ा सा डर रहता है क्योंकि भाई ट्रैफिक भी होती है, अपनी और दूसरों की सेफ्टी देखनी होती है। आपके पास कोई ऐसा चांस आए तो भाई रिक्वेस्ट है कभी मिस मत करना, दैट विल बी अ मेमोरेबल वन। बाकी चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी और रॉ थी। और बाकी मिलते हैं आपको ऐसे ही बढ़िया से किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।